Welcome to my show Trendsetter. Well, today my guest is well-known cricketer Mohammad Shami. Well, let's find out what he's doing in Hyderabad and let's know more details about him. Let me first welcome you in Hyderabad city. I think बहुत सारी यादें होती हैं जब हम हैदराबाद आते हैं और बहुत दिल का कनेक्शन होता है. So, आज का दिन कैसा रहा, मतलब कैसा जा रहा है? How you been getting into the vibes of Hyderabad? नहीं, ऑब्वियसली जब हैदराबाद आते हैं तो सबसे पहले अगर किसी से पूछोगे तो बिरयानी का नाम सबसे पहले आता है. तो ओवरऑल अगर सिटी की बात की जाए तो अच्छी वाइब्स हैं. तो कहते हैं ना, एक खाने से जुड़ी हुई, एक बहुत सारे दोस्त भी यहाँ पर हैं तो सब लोग मिले. अभी जब घूमे हम सिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है. बट एक ही चीज़ है, हमारे बगल में किसी ये जो खड़े हैं डॉक्टर साहब जो आपको लेके खींच के आए हैं यहाँ हैदराबाद, आज हैदराबाद लेकर आए हैं, आज स्पेशली इनकी वजह से आए क्योंकि पिक्चर आप देख ही रहे पीछे. सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा दिन भी जा रहा है. सो इस ब्रांड के बारे में आपका कनेक्शन कैसे रहा, कैसे आप जुड़े इसके साथ, एक छोटी सी जर्नी अगर आप बताना चाहें. एक्चुअली ये सडनली एकदम कोई कनेक्शन नहीं था शुरू में, जो एक फ्रेंड सर्कल के हिसाब से हम लोग ऐड ऑन हुए थे और मेरे माइंड में भी नहीं था कि हाँ कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है. सो बट एक फ्रेंड सर्कल के तौर पर हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे एक दूसरे से. सो ओवरऑल पहले मुझे डर भी लगता था ये चीज़ें सब, हाँ क्यों ही कराना. मैं वैसे भी बहुत हैंडसम है आप, जैसे आपने देखा वैसे दोनों पिक्चर डॉक्टर ने दिखाई है हमारी. सो बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया. बट ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ डर तो था बट रिजल्ट भी उससे ज़्यादा अच्छे निकले हैं. सो आई थिंक अब ये दूरियाँ ख़त्म हो गई हैं कि अब आप बाल बड़े आराम से पा सकते हैं. मतलब अब वो तेल होता था, बहुत सारी टेक्निक्स होती थी एंड आई थिंक यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड. आई थिंक आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है ये. देखिए डिपेंड करता है पर्सन पे, लेकिन हाँ अगर जो नेचुरल चीज़ हो सकती है तो हम नेचुरल कराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. और डॉक्टर साहब टेक्निकली आपको बता ही सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने लुक्स पे ध्यान दें अपने और दूसरी चीज़ जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो डॉक्टर्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. और हैदराबाद से जब आते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने पिक करनी होती है और यू मेक श्योर कि मैं ये लेके जाऊँगा. यार अपने इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है क्योंकि आप हर पार्ट में किसी भी साइट पर जाएंगे, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाओ, आप कुछ ना कुछ आपको एक यूनिक मिलेगा. तो वो एक कनेक्शन बनाता है वो चीज़ हमारे कल्चर के साथ. तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ है ले जाने के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा खाना एंजॉय करता हूँ. इंडियन क्रिकेट टीम में जब जब कभी इवेंट होता है ये सबको बिरयानी इनको पूछते हैं, किधर भी हो इंडिया के बाहर भी, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, रवि भाई का फोन आएगा सामी बिरयानी किधर है, तो ये बोलते हैं हाँ बिरयानी मिलेगा. तो बना भी लेते होंगे बिरयानी मेरे ख्याल से, जब खाने का इतना शौक है तो. नहीं, खाना बना लेता हूँ मैं, कुकिंग का शौक भी है, ऐसा नहीं है. तो बट हाँ देखो खाना भी पसंद और खिलाना भी पसंद है तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ. तो सर अगर आप पे बायोपिक, बिकॉज स्पोर्ट्स बायोपिक का एक दौर चला है, अगर आप पे बायोपिक आए तो क्या मतलब कुछ अपडेट है? ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं और बट अभी कोई प्लान नहीं है. बट हाँ एक बैक ऑफ द माइंड है कि हाँ एक तैयारी की जाएगी. तो कोई एक्टर आपके दिमाग में कि वही करना चाहिए, एक होता है ना ये जस्टिफाई कर देगा क्योंकि जिस तरह का हार्ड वर्क आपने किया है और इतनी दौलत और शोहरत कमाई है, इतने आराम से नहीं है ये सब. देखिए ये चीज़ मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जिसको रोल करना होगा वो खुद मेहनत करके आएगा. आपका कौन फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस है? नहीं अभी ऐसा कोई प्लान नहीं किया क्योंकि प्री प्लान करके कोई फ़ायदा नहीं है. आप जब प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर व्यू दिखते हैं उस टाइम पर. तो मेरे हिसाब से आप जब प्लान करें आप जब वो फीचर्स देखने शुरू करो. तो आपकी कोई फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस फ्रॉम साउथ, क्योंकि आप आज हैदराबाद में हैं? यार साउथ की मूवीज़ बहुत काफ़ी सारी पसंद हैं. जूनियर पसंद है, प्रभास पसंद है. सो मूवीज़ देखता हूँ मैं बट इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि तमिल तो समझ में नहीं आती और अब तो लेकिन डबिंग मूवीज़ आ गई हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखने. तो आप मिले होंगे स्टार्स वाज से और कैसा रहा, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, वाह यार तुम तो बहुत, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब साथ में बैठते हैं तो वो बातें तो निकलती हैं क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम मूवीज़ की बात करते हैं, जब हम मूवी स्टार्स के साथ बैठते हैं तो वो क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि वो चॉइस होती है, क्योंकि प्रोफेशन से अलग जाकर आदमी बात करता है तो वो एक टाइम पास कन्वर्सेशन हो जाता है. तो अब हम चाहेंगे आप एंड करें इसी ब्रांड के साथ, बिकॉज जो डर था अब बाल
बहुत आसान से मिल सकते हैं, मतलब इट्स नॉट अ बिग स्ट्रगल. सो क्या बोलना चाहेंगे जो देख रहे हैं कि आप उन्हें? हाँ. नहीं, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है आपके चीज़. आप आर्टिफिशियल भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर नेचुरल लुक्स आपके मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है. और इसमें ना कोई हार्म है और ना कोई पेन है ऐसा कुछ. सो लुक्स पर ध्यान दें और अपने फिजिक्स और फिटनेस तो हम जानना चाहेंगे. फिटनेस का राज, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा ट्रेन करना. मैं उस पर बिलीव करता हूँ. तो हमेशा आप लॉयल रहिए, आप अपना हार्डवर्क करते रहिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, रिकवरी पूरी कीजिए. यही सब एक अच्छी हेल्थ का एक साइन होता है. तो ज़रूरी होता है कि अच्छा खाना और अच्छा सोना, उसके बाद आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो रिकवर होगा. एक मैसेज आपके हैदराबाद के वालों के लिए. आखिर बोलते फिर ये बोलेंगे, इनके एक्चुअली जो हेयर की जो प्रोसीजर हुआ था वो हुआ था 4-5 जुलाई को. और यूजुअली जो हेयर का रिजल्ट आता है ना, करीब करीब 8-10 महीने लगते हैं. जब ये वर्ल्ड कप में इनको पहला मैच आया तो तब तक थोड़ा आ गया था, 3 महीने हुए थे. तो हम थोड़ा हैरान हो गए थे इतने कम टाइम में. फिर और पूरे 1 महीने में इतने सारे आ गए. तो एक्चुअली इनकी जो पॉजिटिविटी थी ना, हमारे करियर में अभी तक किसी को इतने जल्दी बाल आए नहीं है, 4 महीने में इतने सारे हेयर. और इनकी जो पॉजिटिविटी थी, वट एवर स्पोर्टी स्पोर्ट्समैन तो होते ही हैं, तो वो एक बड़ा एग्जाम्पलरी है. मैं सबको बोलने वाला हूँ, तो अगर आप बाल तो हम देख सकते हैं लाइव दिखाना चाहिए. काफी है, बहुत हम मस्त आ गए. ओ व्हाट अ लुक मैन, आप तो हमें हर बार हर चीज में हैंडसम लगते हैं. देखिए दोनों देखिए, ये 4 महीने का फर्क है. मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब यार मैं बचपन से कैप पसंद करता हूँ पहनना. तो बच्चों के लिए, आप मतलब बच्चों के लिए बाल खींचने के लिए आसानी हो गई? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे घर में मेरे पास कोई नहीं आता है, तो सब दूर घूमते हैं. पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता, बट ये बचपन से यूज्ड हूँ कैप का. तो ये तो डॉक्टर साहब आप लगाते नहीं तो आप कैप हटा दीजिए तो आपकी जुल्फे दिखनी चाहिए. बट थैंक यू फॉर उस लुक के लिए. वर्ल्ड कप में बॉल को लेके जो ये किया था, वो हमारे बॉलिंग कोच को बोला. आप क्या बोल रहे थे बॉलिंग कोच को कि देखो गंजे, मैं मेरे सर पे. रवि शास्त्री ने बोला कि इनको हर बार जब मिरर में देखते हैं उनको लगता है कि बाल जैसे आ रहे बॉल भी स्विंग करेगा. वैसे ही हुआ, स्विंग तो किया. तो क्या था सर, किसको बता रहे? ये बहुत लोगों के आईडिया है, मेरी बायोपिक में खुलेगा. चलिए एक मैसेज दे दीजिए आपके फैंस के लिए. एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है. मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और कंट्री के लिए जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और आपका इन्जॉयमेंट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और हम आपको ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे. थैंक यू सर. वेल दैट वाज अ फन इंटरेक्शन विद वेल नोन क्रिकेटर मोहम्मद शमी. ही लव्स बिरयानी एंड ही लव्स हैदराबाद. वेल फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग आई ड्रीम.